नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों। कानपुर देहात में धर्मांतरण का पर्दाफाश। सोशल मीडिया पर ऋषभ दुबे बताने वाला निकला शानू। सोशल मीडिया पर हिंदू नाम से पहचान के बाद दोस्ती का ऑफर। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार के शूटर संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल प्रशासन भी अलर्ट। बांदा जेल में कैद मुख्तार की बढ़ाई गई सुरक्षा। एक प्लाटून पीएसी सहित लगभग 150 सुरक्षाकर्मी जेल की सुरक्षा में तैनात। संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। 13वीं तक गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका लगाई थी। लखनऊ संजीव जीवा हत्याकांड के नेपाल से जुड़ रहे हैं तार। अतीक के दोस्त और नेपाल के माफिया अशरफ ने दी थी 20 लाख की सुपारी। अशरफ के भाई को जेल में परेशान करता था जीवा। हत्या की इसलिए रची गई थी साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर। सीतापुर पहुंचे शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, भाजपा दोहरे चित्र की पार्टी, भड़काने और बांटने का काम करती है। 2024 में भाजपा को देश से हटाने का काम करेगी। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने दी नौकरी की सौगात। 7000 से अधिक नर्स को दिए नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र पाकर खिले चेहरे। नियुक्ति पत्र देने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, युवाओं को दी जा रही नौकरी सरकार का मंत्र है। सबका साथ सबका विकास। सरकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। बागपत में ईंट भट्टे पर सहायक श्रम आयुक्त के एक्शन के दौरान का नया वीडियो आया है सामने। भट्टा मालिक पर ईंट से हमले का आरोप। मामले में दोनों ओर से शिकायत दर्ज। ईंट भट्टा पर सहायक श्रम आयुक्त विनेता सिंह दिखी थी। शख्स का मोबाइल तोड़ते। सुल्तानपुर में मेनका गांधी ने 150 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। विधायकों की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। आजमगढ़ सपा विधायक रमाकांत यादव की कोर्ट में हुई वर्चुअल पेशी। कहा, मेरे इलाज के लिए एक डॉक्टर की व्यवस्था मेरे निजी खर्च पर की जाए। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छतोड़ ब्लॉक के गांव का किया दौरा और चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को तत्काल निस्तारित करने का दिया निर्देश। आगरा में पहुंचे संजय निषाद। पिछली सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए और समाज कल्याण के लिए काम किए हैं। मोदी सरकार के 9 साल अभूतपूर्व रहे। जल शक्ति मंत्री सत्येंद्र देव सिंह ने किया कुशीनगर के छितौनी बांध का निरीक्षण। और निरीक्षण के बाद मंत्री ने ग्रामीणों की लगाई चौपाल। गिनाई प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियां। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विंध्याचल में पूजा अर्चना की। निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर और विकास की परियोजनाओं का किया निरीक्षण। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी का सरकारी आवास हुआ खाली। दिल्ली के 22 जनपद पर अफजाल अंसारी को मिली थी सरकारी आवास और अफजाल को गैंगस्टर मामले में ठहराया गया था दोषी। फतेहपुर में विंध्य की मंडी निरीक्षक और मंडी सचिव को हटाने को लेकर व्यापारियों का हड़ताल चौथे दिन भी जारी। गल्ला व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बरेली में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने निकाली बाइक रैली। एबीपी गंगा के कल मेरठ में होने जा रहे हैं महापंचायत कार्यक्रम को लेकर राकेश टिकैत ने दी बधाई। कहा, महापंचायत में सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। फरुखाबाद में कपड़े के शोरूम पर जीएसटी का छापा। 41 लाख रुपए की जीएसटी की पकड़ी गई चोरी। 11 घंटे चली कार्रवाई में पकड़ी गई गड़बड़ी। थाना कादरी गेट की ठंडी सड़क पर बने कपड़े के शोरूम पर हुई कार्रवाई। मुरादाबाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जिला संयोजक का हुआ निधन। शाही इमाम सपा सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क और डॉक्टर एसटी हसन जनाजे में शामिल हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने पढ़ाई जनाजे की नमाज। कानपुर में तेंदुए के दिखने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय। गांव में तेंदुए के देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। चौबेपुर की तरी पाठकपुर गांव की घटना।
लखीमपुर खीरी में बाघ ने किसान को बनाया निशाना। हमले में किसान शिव कुमार की मौत हो गई। कोतवाली तिकोनिया इलाके के मजरा पूरब का मामला। 9 वर्ष पूरा हुआ पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 9 जून 2014 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व की हुई थी स्थापना। सैलानियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का बन चुका है ये केंद्र। उन्नाव में सरकारी रोडवेज बस की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई। ड्राइवर के पीछे बैठा शख्स कपड़े की रस्सी से गियर को पकड़कर बैठा। यात्रियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। टुंडा में फिरोजाबाद जाते समय कंटेनर में लगी अचानक आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। गुड़गांव के कोची केरल जा रहा था कंटेनर और दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। थाना टुंडला क्षेत्र का मामला। झांसी में ट्रक से ओवरटेक कर रहे बाइक सवार 2 की मौत। थाना रक्सा इलाके का मामला। बरेली में घर में घुसकर शख्स को मारी गई गोली। बद्रीनाथ थाना बदारी थाना क्षेत्र के अग्रसेन नगर का मामला। अंबेडकर नगर में शव मिलने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बसखारी थाना क्षेत्र के टांडा मार्ग का मामला। मथुरा में दिनदहाड़े लूट की वारदात में मची सनसनी। बदमाशों ने अधिवक्ता के अपहरण का किया प्रयास। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में कुरियर से हो रही थी चांदी की तस्करी। बिरहाना रोड पर कस्टम की रेड में 6 किलो से ज्यादा चांदी और 4 लाख रुपए कैश बरामद। कुरियर कंपनी का संचालक गिरफ्तार। कानपुर देहात में 50 किलो चांदी को लूटने वाला लुटेरा निकला एक दरोगा। आगरा के सराफा व्यापारी से 4 दिन पहले हुई थी औरैया में 50 किलो चांदी की लूट। भोगिनीपुर थाना इंचार्ज अजय पाल, दरोगा चिंतन कौशिक ने दी थी लूट की वारदात को अंजाम। रायबरेली में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे भू माफिया को रोकना लेखपाल को महंगा पड़ गया। माफिया ने लेखपाल पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने भू माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुरादाबाद के ताजपुर में युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में घायल युवक निजी अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके की घटना। कौशाम्बी में जमीन के विवाद में एक शख्स की गुलाली से मारकर हत्या। हमले में 2 अन्य लोगों को भी लगी गंभीर चोटें। कोकराज थाना क्षेत्र के नौढ़िया आमद करारी की घटना। तमकुहिराज नगर पंचायत के चुनाव में 2रे स्थान पर रहे निर्दल प्रत्याशी मुनीर अहमद पर बोलेरो सवार ने किया हमला। सीएचसी तमकुहिराज के डॉक्टर ने मुनीर आलम को संयुक्त जिला चिकित्सालय किया रेफर। हमले के बाद एक विशेष समुदाय में जबरदस्त आक्रोश। महाराजगंज के पनियारा थाना क्षेत्र के खैचा गांव में युवक की पीट पीट कर हत्या। रामबचन को गांव के ही कुछ लोगों ने धोखे से बुलाया था। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सभी आरोप फरार। अलीगढ़ में कल से गायब महिला बेहोशी की हालत में खेत में मिली है। परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में वंदे भारत ट्रेन को पत्थरबाजों से खतरा। पत्थरबाजों ने वंदे भारत की 30 खिड़कियां तोड़ी। टूटी खिड़कियों के साथ संचालित हो रही वंदे भारत 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने ट्रेन को दिखाई थी हरी झंडी। संबल में मूर्ति स्थापना की शोभा यात्रा को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 40 लोगों को किया गिरफ्तार। कोतवाली बोझई क्षेत्र के गांव डढोल का मामला। अमरोहा में सांप के हमले से 11 साल के बच्चे की हुई मौत। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम। हसनपुर थाना क्षेत्र के रखालू गांव का मामला। ईटा में जवाहर तापीय विद्युत में बॉयलर पर काम कर रहे पिलर टूटकर गिरने से मजदूर के सिर में लगी चोट। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में विधानसभा के सामने परिजनों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। किशोरी की हत्या को लेकर परिजनों में गुस्सा। पुलिस ने परिजनों को कराया शांत। अमरोहा में फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गजरौला थाना इलाके के चौहानपुर का मामला। लखीमपुर खीरी में युवक ने बीवी और ससुर से परेशान होकर आत्महत्या की। आत्महत्या करने से पहले मोबाइल पर बनाए वीडियो एक सुसाइड नोट भी लिखा। बिजनौर में तेज रफ्तार कार में बाइक में मारी टक्कर और हादसे में 3 युवकों की इलाज के दौरान हुई मौत। थाना हल्दौर के बिसाठ इलाके की घटना। बस्ती नेशनल हाईवे 28 पर चलता ट्रक बना आग का गोला। आग लगने के बाद ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जा रहा था ट्रक। छावनी थाना क्षेत्र के खेसुआ चौराहे के पास की घटना।
रामपुर में दिल्ली में शीशगढ़ जा रही बस अनियंत्रित होकर खेत में पलटी और हादसे में कई लोग को आई चोट। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बस में करीब 24 यात्री थे सवार। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं। रेलवे क्रॉसिंग पर लापरवाही भारी पड़ी और ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कृष्णा नगर कोतवाली के अंतर्गत केसरी खड़ा खेड़ा फाटक का मामला। इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट की कानपुर शाखा में यूपीएससी सिविल सेवा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट से यूपीएससी 2022 में सिलेक्ट हुए छात्र मनोज महारिया और संदीप कुमार को संस्थान के टॉप फैकल्टी अवध ओझा ने बधाई दी। इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट डायरेक्टर शाह फैसल ने भी छात्रों को बधाई दी। और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आपको भी सुनवाते हैं। उन स्थितियों में निर्णय लेना, मैंने अपने स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों से भी बातचीत करने का प्रयास किया, परिणाम नहीं निकला और अंततः मुझे निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, मुझे यहीं से बस भेजनी चाहिए, सुरक्षा भी भेजनी चाहिए, उन बच्चों के लिए साथ में ब्रेकफास्ट और लंच की व्यवस्था भी देनी चाहिए और उनको सुरक्षित मैं वहाँ से निकाल करके बाहर आ जाऊँ। और हमारा ये ऑपरेशन सफल रहा। हम वहाँ से लगभग 15,000 बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुँचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई और फिर 15,000 बच्चे कोटा में थे, 14,000 के आसपास प्रयागराज में थे। इन सबको उनके गांव तक पहुँचाने में हम लोगों ने मदद की और उसके बाद वर्चुअली मैं इनसे जुड़ा था। मैंने उनसे इस बारे में आग्रह किया था कि आप लोग एक महीने का क्वारंटीन था उस दौरान, एक महीने के इस क्वारंटीन का पालन करेंगे। उन सब ने पालन किया और उस समय मैंने कहा भी आने वाले समय में कभी इस प्रकार का संकट आए तो संकट के दौरान हमारे सामने इस प्रकार की चुनौती फिर से ना आने पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि राज्य में ही हम लोग कोचिंग संस्थान इस प्रकार का देंगे जो केवल एक कोचिंग नहीं होंगे बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे और उसका नाम हमने अभ्युदय कोचिंग संस्थान रखा। अभ्युदय संस्थान रखे, अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जहां से प्रशस्त हो सकता हो। और सचमुच आज इसके परिणाम इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ये सांसारिक उत्कर्ष के ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, 1998 से लेकर के 2017-18 या 20 तक बामुश्किल जो कोचिंग संस्थान समाज कल्याण विभाग चलाता था इसमें से 3-4 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता था। याद करिए, 3-4 लोगों का सिलेक्शन होता था और वह भी यूपीएससी और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं, रेलवे में हो गया या किसी अन्य सामान्य विभागों में हो गया, वो अलग विषय है। पहली बार यह उत्तर प्रदेश से यूपीएससी में अभ्युदय कोचिंग से जिन लोगों ने मार्गदर्शन लिया ऐसे 23 से 24 अभ्यर्थियों का चयन होना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में यह संख्या लगभग 100 के आसपास आना, यह एक बहुत सकारात्मक पहल है और इस सकारात्मक पहल के लिए आपकी मेहनत को और विभाग के प्रयास को मैं सराहना करता हूं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय मनीषा ने हमेशा इस बात को कहा है और इस बात को माना है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। इस प्रकार के श्लोक आपको अपने यूपी में प्रशिक्षण के दौरान वेंकटेश्वर लू के मुंह से सुनने को मिलेंगे। हमारे प्रमुख सचिव परिवहन भी हैं और साथ साथ एक आचार्य के रूप में वह बहुत अच्छा उपदेश भी करते हैं। और उनके साथ ये दोनों समन्वय है, एक प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है
एक आचार्य उपदेश देता है, लेकिन दोनों में अगर समन्वय हो जाए तो अपने आप परिणाम आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि परिणामकारी यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। यानी कोई अयोग्य नहीं है, केवल एक योग्य योजक चाहिए। और अभ्युदय कोचिंग संस्थान उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसमें कौन लोग वहां पर सहयोग कर रहे हैं। आईएएस हैं, जो नौ चयनित आईएएस, जो लड़के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, सीडीओ के रूप में या जिलाधिकारी के रूप में जनपदों में कार्य कर रहे हैं, या नगर आयुक्त के रूप में या विकास प्राधिकरणों के वहाँ पे वीसी के रूप में काम कर रहे हैं, वे लोग वहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए अपने अपने जनपदों में मंडलायुक्त के नेतृत्व में बनी हुई कमेटी के साथ जुड़ करके वे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। या जो पीसीएस में या पीपीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ वे लोग इसको कर रहे हैं। आईआईटी जेई से या नीट में जिन्होंने क्वालिफाई किया उसके बाद अपनी सर्विस में आ चुके हैं, जनपदों में तैनात हैं, वे लोग वहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। अच्छे हम लोगों ने विशेषज्ञ भी अलग अलग जनपदों में विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, अन्य जगहों से लिए। फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही। और ये जनपद के अंदर सभी 75 जनपदों के अंदर प्रथम चरण में इसको और स्ट्रेंथन करना, इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करना। हर कार्य में कुछ ना कुछ नए सुधार की गुंजाइश रहती है, और इस नए सुधार को और आगे बढ़ा देना, अच्छा बना देना। क्योंकि कोचिंग तो एक गाइडेंस है, एक मार्गदर्शन है। शेष मेहनत तो छात्र के स्वयं के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर वो स्वयं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा तो परिणाम अवश्य सामने आएगा। और वह गाइडेंस का काम उस क्षेत्र से, उस रास्ते से निकले हुए लोग स्वयं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और वे लोग जब उस संस्थान के साथ जुड़ करके, वे अधिकारी या वे सभी विषय विशेषज्ञ इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, इस बार का यूपीएससी का जो परिणाम है वह उसकी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, बताता है कैसे इन संस्थानों ने अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है। और मुझे लगता है कि इस मोमेंटम को हमें बनाए रखना होगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ाना होगा। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो हमारे एकलव्य विद्यालय हैं, उनसे जुड़े हुए छात्रों का चयन नीट या आईआईटी जेई या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर उनमें से कुछ छात्रों को भी यहाँ पर सम्मानित किया। कोई पूछता ही नहीं था, लोग ये मानते थे जैसे कुछ है ही नहीं। सरकार की मंशा साफ थी, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। समानता के जिस अवसर की बात सीएसयू मरुण जी कह रहे थे, बाबा साहब का सपना साकार होगा कैसे अगर हम अवसर नहीं देंगे, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उस प्रकार का मंच नहीं देंगे तो कैसे बढ़ेगा। लेकिन आज ये सभी कुछ शासन के स्तर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अनेक योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और फिर निर्धारित तो कैसे बढ़ेगा। लेकिन आज ये सभी कुछ शासन के स्तर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अनेक योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और फिर निर्धारित समय के अनुरूप उसको अगर हम सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं तो अपने आप में सुस्सी होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि कोविड कालखंड में जिस अभ्युदय कोचिंग संस्थान को 2021 में बसंत पंचमी के दिन हमने प्रारंभ किया था, वह आज मात्र 2-2.5 वर्ष के अंदर ही अपना परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2 वर्ष के अंदर यह परिणाम एक बहुत सकारात्मक परिणाम है। मुझे इसकी प्रसन्नता इसलिए भी है कि इसमें हमारे अधिकारियों ने मेहनत की, फील्ड में तैनात अधिकारियों ने पूरी ऊर्जा के साथ लग करके, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक
समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, जहां पहले से निर्माणाधीन थे उनको दिया होगा, लेकिन शेष जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, इन्हीं को हमने उसका माध्यम बनाया, क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद ये संस्थान बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये कोचिंग के लिए इनको देर सायंकाल तक इनका उपयोग किया जा सकता है, इसमें वर्चुअल क्लासेस लगाई जा सकती हैं, इनको ऑनलाइन क्लासेस के साथ जोड़ा जा सकता है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि एक जगह बैठ करके हम सभी 75 जनपदों को ऑनलाइन क्लास के साथ जोड़ सकते हैं। कोई अच्छा विशेषज्ञ है अगर वह लखनऊ में अपनी क्लास ले रहा है, सभी 75 जनपद उस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, अनेक छात्र पूरे प्रदेश भर के छात्र उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। और अगर कोई यूपीएससी की या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा गाइडेंस की आवश्यकता है, कोई क्लास नहीं चलनी है उसको थोड़ा गाइड करना है, बाकी रास्ता तो अपने आप तय कर लेगा कि उसे कैसे हिमालय की चोटी पर पहुंचना है और यह उस लक्ष्य तक प्राप्त करने की उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ाई जाने वाले कदम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी किया गया। समाज कल्याण विभाग ने पिछले 6 वर्ष के अंदर अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मुझे याद है कि 2015-16 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप अज्ञात कारणों से रोक दी गई थी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता हुआ था। अनुसूचित जाति के छात्रों को, जनजाति के छात्रों को आप छात्रवृत्ति से वंचित कर देंगे। हम लोग आए, फिर एक साथ बजट रिलीज किया और 17, 18, 16, 17 और 15, 16 के सभी बच्चों की स्कॉलरशिप को एक साथ हम लोगों ने यहां से रिलीज किया था। आज समय से वर्ष में 2 बार समाज कल्याण विभाग हर छात्र की स्कॉलरशिप को उसके अकाउंट में 2 अक्टूबर को और 26 जनवरी को गांधी जी की जयंती के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन उनके अकाउंट में उस स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य समय से कर देता है और किसी भी छात्र को परेशानी न हो इसके लिए अनेक कार्यक्रम के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले से कार्यक्रम चल रहे, लेकिन साथ साथ अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उन गरीब कन्याओं के लिए, चाहे वह किसी भी जाति मत और मजहब की हो, उन्हें दहेज मुक्त शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन परिवारों को आज एक कार्यक्रम बृहद स्तर पर चल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 2 लाख से अधिक कन्याओं की शादी इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुकी है और सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रारंभ किए गए हैं। ये कार्यक्रम इस बात को दिखाते हैं कि समाज कल्याण विभाग जो नाम है उसके अनुरूप कार्य करके परिणाम भी दे रहा है और इसमें अलग अलग प्रकार की पेंशन की स्कीम भी है, अलग अलग विभागों के द्वारा है संचालित की जा रही है, लेकिन वर्तमान में लगभग 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन्हें यहां प्रदेश के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से, चाहे वह निराश्रित महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या दिव्यांगजन पेंशन हो, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जाता है और समय पे दिया जाता है। हर चौथे महीने तीसरे महीने उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। अब उसमें कोई कटौती नहीं होती। मुझे याद है इससे पहले क्या होता था, उस समय 300 रुपये पेंशन मिलती थी, 6 महीने की एक बार मिलती थी, 1800 रुपये के लिए जब वो व्यक्ति जाता था तो 1800 रुपये में भी लोग कमीशन मांगते थे, यानी एक गरीब को 6 महीने में 1800 रुपया मिल रहा है उसमें भी लोग कट मांगते थे, लेकिन अब कट की कोई गुंजाइश नहीं बची। अब तो पैसा एक क्लिक किया उस गरीब के खाते में, एक साथ 1 करोड़ लोगों के अकाउंट में 3,000 रुपये तिमाही के हिसाब से पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा।
कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं और गरीब उस पैसे को पाकर के अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा कर लेता। अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। कोई सोचता था यूपी के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज था यूपी जैसे राज्य में खाद्यान्न संकट का, यानी खाद्यान्न का घोटाला, नहीं मिल पाता था, गरीब का राशन कार्ड ही नहीं बन पाता था। पता लगा कि राशन कार्ड बना के किसी ने अपने घर में बना के रखा हुआ, उसके नाम से राशन लिया जा रहा, उसको पता ही नहीं। लेकिन आज हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड है। 15 करोड़ गरीबों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे कोरोना जैसे संकट के दौरान किसी को भूखों न सोना पड़े। तो देखिए, आप लखनऊ से आपने सीएम योगी को सुना, जहां उन्होंने चयनित 23 चयनित यूपीएससी के अभ्यर्थियों को जो चयनित हुए हैं उनके कार्यक्रम में वो शामिल हुए और साथ ही साथ उन्होंने छात्रों को भी उनका मनोबल बढ़ाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।